अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं किचन स्केल की। किचन स्केल होता क्या है, करते क्या हैं, उसका फ़ायदा क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। तो किचन स्केल के बारे में बात करने से पहले मैं आपको किचन स्केल दिखा देता हूँ कि वो होता कैसा है। ये मैं घर पर यूज़ करता हूँ, ये मेरे पर्सनल यूज़ में होता है। ये थोड़ा सा फैंसी है, स्टील का बना हुआ है और ये आपको ऑलमोस्ट हर दुकान से हर जगह पर मिल जाता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? अब ये वाला जो है ये तकरीबन 2000 रुपए का है और ये वाला जो है ये तकरीबन 800 रुपए का है। दोनों में फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क नहीं है, दोनों काम सेम करते हैं। एक में लाइट है, एक में नहीं है, एक थोड़ा सा खूबसूरत लगता है, एक बिल्कुल ऑर्डिनरी लुकिंग है जो बहुत कॉमन है। तो पहली तो बात है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सा किचन स्केल है, बस आपके पास एक डिजिटल किचन स्केल है, उससे आपका काम चल जाएगा। अब बात करते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है। आप इसके ऊपर कोई भी चीज़ रखते हैं तो आपको ये उसका वज़न बता देता है। जैसे आप किसी ड्राई फ्रूट की दुकान पर जाएँ, आप चिकन की दुकान पर जाएँ, लेट्स से आप चिकन लेने चले गए, अब आप बोलते हैं कि मुझे 500 ग्राम चिकन दे दो, आधा किलो मुझे मुर्गी दे दो। अब अगर वो बोले जी बाजी इसमें आधा किलो मुर्गी है, तो आप उसका भरोसा तो नहीं करेंगे अनलेस वो आपको तराजू पे तोल के दिखाए। जब आपको तसल्ली हो जाती है कि अच्छा यार मैंने आधा किलो मुर्गी ही परचेज़ की है, 500 ग्राम्स मैंने स्केल पे खुद देखा है, तो आप फिर उसको पैसे देते हैं। अब बात करते हैं कि इसका डाइट से क्या लेना देना है। देखिए, आपको नहीं पता होता कि आपने कौन सी चीज़ कितने ग्राम्स ली है, आपको सिर्फ ये पता होता है कि मैंने एक प्लेट चावल खाई थी, एक प्लेट बिरयानी खाई थी या मैंने दो प्लेट पुलाव की खाई थी। तो आपको नहीं पता एग्जैक्टली कि आपने कितनी क्वांटिटी में क्या क्या चीज़ें खाई थी। तो जब आपको पता ही नहीं कि आपने कितने ग्राम में क्या क्या चीज़ें खाई हैं, जब आपको क्वांटिटी ही नहीं पता, तो आप उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? अब किचन स्केल का ये फ़ायदा है कि जब आप उसके ऊपर कोई भी चीज़ रखते हैं तो आपको वो उसका वज़न बता देता है। लेट्स से मैंने कोई ब्रेड रख ली, चिकन रख लिया, फ्रूट रख लिया, तो वो मुझे उसका एग्जैक्ट वज़न बता देगा, झूठ तो वो मुझसे बोलेगा नहीं। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि किचन स्केल पर वज़न करके मुझे पता तो चल गया कि मैंने कितने कितने ग्राम क्या चीज़ खाई, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा यह है कि आपके पास डेटा आ जाएगा कि आपने कितने ग्राम क्या चीज़ खाई है। जब ये डेटा आएगा तो आप बेशुमार ऐप्स हैं, माई फिटनेस पैल है, एस हेल्थ है, माई प्लेट है, बेशुमार ऐप्स हैं, आप उनमें से कोई भी एक डाउनलोड करके उसके अंदर एंट्री डाल सकते हैं कि यार मैंने इतने इतने ग्राम मैंगोज़ खाए थे, इतने इतने ग्राम मैंने ब्रेड खाई है, इतने इतने ग्राम मैंने ये चीज़ें खाई हैं, चावल खाए हैं। जब आपको पता चल जाएगा तो आपको कैलकुलेट करके दे देगा और आपको बता देगा कि इतनी कैलोरीज और इतने मैक्रोज बन रहे हैं आपके और आपने ये कंज्यूम किया। तो जब आपको पता चल जाएगा, आपने देखिए मैन्युअली तो कुछ कैलकुलेट नहीं करना, एक ऐप आपके लिए ऑलरेडी करके दे रही है। तो जब आपको पता चल जाएगा तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। जब आपको अपनी क्वांटिटीज़ और अपनी कैलोरीज और अपने मैक्रोस पता होंगे कि आप कंज्यूम कितना करें, तो उसको कंट्रोल और उसको मैनेज करना भी आ जाता है। लेट्स से आपको पता है कि यार मैं 2000 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा हूं, तो आप उसको रिड्यूस करके 1500 भी कर सकते हैं। अब आप 1500 ऐसे तो नहीं करेंगे कि यार मैं अंदाजे से खा लेता हूं, क्योंकि अंदाज़ा गलत भी हो सकता है। एक्यूरेटली ट्रैक करेंगे तो गलत तो हो नहीं सकता। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारा वेट गेन नहीं हो रहा। आपका वेट गेन इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि यू आर नॉट ईटिंग इनफ, और लूज़ इसलिए नहीं हो रहा होता बिकॉज यू आर नॉट ईटिंग लेस इनफ। पॉइंट ये है कि एक्यूरेटली ट्रैक करके आपको जब क्वांटिटीज़ पता लग जाती हैं तो इट गेट्स वेरी ईजी। तो देखें, एक सिंपल सा टूल आपकी ज़िंदगी कैसे आसान कर देता है और आपका जो सारा कैलोरी का मैकेनिज्म है, जो आपकी ट्रैकिंग का मैकेनिज्म है, वो कितना आसान कर देता है आपके लिए। आपको कुछ भी नहीं करना, आपने उसके ऊपर वज़न करना है जो भी आप खा रहे हैं, और आपने ऐप में ट्रैक करना है और आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा आपको हैसल लग सकता है, थोड़ा आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन ट्रस्ट मी इट्स नॉट दैट हार्ड। 2-3 दिन में यू गेट अलॉन्ग विद इट। तो चलें अब मैं आपको बताता हूँ कि किचन स्केल यूज़ कैसे करते हैं। अब देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। ये देखें, ये एक किचन स्केल है। आपने सबसे पहले इसके ऊपर एक अदद प्लेट रखनी है, या आपने इसके ऊपर एक प्लेट रख दी है, फिर आपने इसको ऑन करना है और ये आपको उसका वज़न बताता है कि अब ये ज़ीरो है। अब ये एक बन है, इसका वज़न में अगर मैंने चेक करना है तो यहाँ पे ऑलरेडी ज़ीरो है। मैं इसको इसके ऊपर रखता हूँ तो ये मुझे उसका वज़न बता देता है जो कि है 76। तो अब ये 76 ग्राम का बन है। अब लोग गलती क्या करते हैं, लोग ये गलती करते हैं कि इसको सबसे पहले ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद वो इसके ऊपर प्लेट रखते हैं और फिर उसके ऊपर बन रखते हैं, तो जो वेट आता है वो आप कह रहे होंगे कि यार 600 ग्राम्स का बन है, 76 ग्राम का बन 600 ग्राम का कैसे हो सकता है? वो इसलिए है क्योंकि ये प्लेट का वेट भी ले रहा है। अगर आपने ऑन करने के बाद प्लेट रखी है तो ये प्लेट का वेट है। आप इसको सिंपल टेयर को दबा दें, ऑन का बटन दबा दें, ये दोबारा ज़ीरो हो जाएगा, और इसके ऊपर फिर रखें
फिर से वही 76.77 ग्राम बताएगा। एक और गलती लोग क्या करते हैं कि वो फ्लैट सरफेस पे नहीं लेते। देखें, कोशिश करें कि कोई शेल्फ हो, कोई मार्बल हो, कोई टेबल हो जिसके ऊपर आपने रखा हो। अगर आप ऐसे बेड के ऊपर रखेंगे, अब मैंने बेड के ऊपर रखा है, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस बेड पे मैंने ऑन किया, मैंने ये रखा, अब मैंने इसको टेयर किया, ज़ीरो आ गया। अब देखते हैं इस पर कितना आता है। 4 ग्राम की तो ब्रेड नहीं है। तो अगर आप ऐसे अगर वज़न करेंगे तब भी चांसेस ऑफ एरर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैंने आपको फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स बता दी हैं, तो आप वो गलतियाँ मत दोहराएं और एक्यूरेटी ट्रैक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।